सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। हिंदी में, हिंदी साहित्य में स्वर किसे कहते हैं और इसी को रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। व्हाट इज़ द वॉवेल एंड हिंदी में इसको दोनों से कनेक्ट करके हम इसको आज जानेंगे कि स्वर क्या है। हम जानते हैं कि जब व्यंजन जो क से ज्ञ तक होता है उसे बोला जाता है, तो उसे बोलने के लिए कुछ उच्चारण स्थल का उपयोग किया जाता है, उच्चारण स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। उच्चारण स्रोत मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ऊष्म व्यंजन। तो इनको बोलने के लिए कोई ना कोई ध्वनि स्थल यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। लेकिन जो स्वर है, स्वर आ, आ, ई, ई, इनको बोलने के लिए, स्वर को बोलने के लिए कोई भी ध्वनि स्रोत इस्तेमाल नहीं किया जाता। सीधे जो जितने भी स्वर हैं, हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, इन्हें उच्चारित करने के लिए सीधे बाहर स्वर बाहर निकलते हैं। ना तो आप मूर्धन्य का इस्तेमाल करेंगे, तालव्य का इस्तेमाल करेंगे, कंठ का इस्तेमाल करेंगे, इनका कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, बोल के बताता हूँ मैं आपको। जो स्वर होंगे उनके सिर्फ आकृतियाँ चेंज होंगी। जो माउथ, मुंह का जो शेप है, साइज है, आकृतियाँ, वो चेंज होंगी और उससे से ध्वनि निकलेगा। आ, आ, ई, ई। देखिए, जीभ कब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दंत कब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कंठ कब, सिर्फ कंठ से यहां से आवाज निकल रही है, सीधे निकल रही है। ओ, ओ, ए, आ, ओ, आओ, अंग, आहा। जितने भी स्वर हैं सिर्फ एक ही स्रोत है जहां से ये शब्द सोर्स के रूप में बाहर निकलते हैं, स्रोत के रूप में उद्गारित होते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, सिर्फ एक, आ, आ, ए, ई, उ, उ, ए, ए। आप समझ रहे होंगे, उच्चारण स्थल एक ही है, सिर्फ आकृतियां चेंज हो रही हैं। ध्वनि निकालते समय इनमें आपको आकृतियां बदलाव दिख रहा होगा, ठीक। इसी तरीके से यदि हम इसको इंग्लिश में जोड़ के सीखें तो देखिए, कहने का मतलब स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि स्थलों की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य जगहों की आवश्यकता नहीं होती, या ऑर्गन्स की, या जो भी भाग है ध्वनि ध्वनिकता में, ध्वनि निकालने में जो भी यूज किए जाते हैं अवयवों का, उन अवयवों का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सीधे ही हम ध्वनि को उच्चारित करते हैं, इनमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती। और समझिएगा, इंग्लिश के लिए ए, 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 ई, ई, आप देखिए सिर्फ आवाज निकल रही है, दांत का इस्तेमाल नहीं किया गया, दंत का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिह्वा का इस्तेमाल नहीं किया गया, तालु का इस्तेमाल नहीं किया गया, मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं किया गया। ए, ई, आई, 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 ओ, ओ, यू, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर हैं। इंग्लिश में इसमें वॉवेल्स भी कहते हैं। तो हिंदी हो या इंग्लिश, इनको उच्चारण एक ही तरीके से किया जाता है, इनका ध्वनि उद्गम स्थल एक ही है, ठीक। बाकी जब आप व्यंजन सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन सीखेंगे, जब आप कॉन्सोनेंट सीखेंगे उनके उच्चारण के लिए आपको इनके ध्वनि उद्गम स्थलों की, अन्य ध्वनि उद्गम स्थलों के साथ साथ अन्य अवयवों की आवश्यकता होगी। आप थैंक यू। आगे हम व्यंजन के वीडियो भी सीखेंगे।